तो शुरू करते हैं। जो रेगुलर होंगे ये है आपका 19 जून का न्यूज। तो अगर आप लोग याद होंगे तो एक सैटेलाइट के बारे में बताए थे, इनसेट, इंडिया के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था किस चीज के लिए? वेदर फेनोमेना को समझने के लिए, ठीक ना? तो देखते हैं कैसे काम करता है ये, ठीक है ना? क्या लिखा हुआ देखिए, हाउ डज वन रीड द मैप्स, हाउ डू द कलर्स रिप्रेजेंट। मैप जो है कैसे रीड करते हैं और इसके कलर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि मैप में जो कलर दिख रहा है जैसे ये रेड, तो ये कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना? इस चीज को बोलते क्या है? तो जैसे नाइट विजन, अगर आप ऐसे समझिए कि अगर रात का इमेज लिया तो ये आ जाएगा आपको नाइट माइक्रोफिजिक्स में। एक चीज देखिए आप लोग, ये दिख रहा है कैसा कलर है, ये ग्रीन दिख रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा रेडिश और थोड़ा थोड़ा ब्लू, रेडिश ब्लू दिख रहा होगा, ठीक है ना? तो इसी से पता लगाया जाता है वेदर फेनोमेना कि कब क्लाउड है, कितना क्लाउड आएगा, कब बारिश होगी, कब बिजली आएंगे, ये सब चीजें, ठीक है? तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ए पेपर पब्लिश्ड बाय IMD साइंटिस्ट इन फेब्रुअरी 2019, द इनसेट 3D सैटेलाइट हैज रेड ग्रीन ब्लू इमेजेस हुज इमेज कलर्स आर डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स, सोलर रिफ्लेक्टेंस एंड ब्राइटनेस टेम्परेचर। तो क्या करा कि इनसेट 3D, ये जो सैटेलाइट है कौन सा, इनसेट 3D सैटेलाइट, तो ये क्या करता है, तीन कलर को पिक करता है, कौन कौन सा है, रेड ग्रीन और ब्लू, और यही रेड ग्रीन ब्लू जो है प्राइमरी कलर भी होता है। क्या मतलब हुआ कि इसी तीनों कलर से दुनिया भर की कलर बनती है। तो ये क्या करता है, ये तीनों कलर को पिक करता है, और ये जो कलर डिटरमाइन करता है, ठीक ना, किसके द्वारा, तो दो फैक्टर है, एक है सोलर रिफ्लेक्टेंस, दूसरा है ब्राइटनेस टेम्परेचर। तो सोलर रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, ये रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय ए सरफेस एंड द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। क्या कह रहा है, तो देखिए ये मान लीजिए आपका सन और ये आपका अर्थ है, तो इस पे क्या कर रहा है, सनलाइट पड़ रहा है, ठीक ना? तो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, कितना सोलर एनर्जी, ठीक है ना, कितना सोलर एनर्जी आया और कितना सोलर एनर्जी इंसिडेंट हुआ, मतलब कितना इस पे सोलर एनर्जी पड़ा, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं सोलर रिफ्लेक्टेंस। तो इसके द्वारा पता करता है तीनों कलर को, RGB भी, अभी डिटेल्स मोर देखेंगे। और दूसरा क्या बोला, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है ब्राइटनेस टेम्परेचर। ये किस चीज को डील करता है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ब्राइटनेस ऑफ इट्स सरफेस। तो कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की, मतलब जहां पे लाइट पड़ा, कौन से ऑब्जेक्ट पे, चाहे बादल पे पड़ा या अर्थ पे पड़ा, है ना, या वाटर वेपर पे पड़ा सनलाइट, उसका और उसके सरफेस से जो मतलब ब्राइटनेस आ रही है, जैसे सनलाइट पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये डस्ट पार्टिकल है, इस पे सनलाइट पड़ा, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये ब्राइटनेस दिखाएगा। तो ब्राइटनेस, उस सरफेस का ब्राइटनेस और क्या कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर के बीच जो रिलेशनशिप है वो है ब्राइटनेस टेम्परेचर। तो ये दोनों फैक्टर पे क्या काम करता है, हमारा इनसेट। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल्स में है, इतना डिटेल्स नहीं पूछेगा आपसे, फिर भी समझ में आना चाहिए। अब देखिए क्या कहता है, द इनसेट 3D डी माइक्रोफिजिक्स डेटा कंपोनेंट स्टडीज सोलर रिफ्लेक्टेंस एट द 3 वेवलेंथ। तो ये जो है ना 3 वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है, एक है 0.5 माइक्रोमीटर, जैसे कि लाइट है, जैसे अगर आप लोगों ने प्रिज्म वाला पढ़ा होगा, इधर से लाइट देती, इसमें क्या हुआ, 7 कलर विजिबल हुआ, 7 कलर जो विजिबल होता है, तो हर कलर का क्या होता है, एक वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ मतलब समझ लीजिए मेजर किया जाता है उसको मापने के लिए,
हर कलर का कहाँ तक मतलब जैसे दिखता है तो इतना वेवलेंथ है उसका। तो कौन कौन सा है? 0.5 माइक्रोमीटर, 1.6 माइक्रोमीटर वेवलेंथ, उसके बाद 10.8 माइक्रोमीटर्स, ठीक ना। तो इतने मतलब माइक्रो लेंथ जो जो वेवलेंथ होती है इसको ये कैच करता है, एंसर 3D। अच्छा ये भी याद रखिएगा, 0.5 माइक्रोमीटर्स क्या है? विजिबल रेडिएशन है, और ये जो है 1.6 माइक्रोमीटर्स शॉर्ट इंफ्रारेड रेडिएशन है, और ये थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन है, मतलब ये थोड़ा हॉट होता है, थोड़ा गर्म। ये थोड़ा फिजिक्स की बातें हैं। अब देखिए क्या कहता है, बस आप लोग ये याद रखिएगा, ये विजिबल रेडिएशन है, ये शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन है, और ये थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो कहता है कि दैट इज डिटेक्टर्स ऑन बोर्ड द सैटेलाइट ट्रैक रेडिएशन कमिंग फ्रॉम आवर इंडिया इन दिस वेवलेंथ। तो जो सैटेलाइट है उसका जो बोर्ड है, जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट में जो मेन बोर्ड है, तो वहां पे इसी वेवलेंथ को वो पकड़ के समझता है। तो जो 0.5 माइक्रोमीटर होता है ना, ये जो है किस कलर को शो करता है? ग्रीन कलर का। मतलब कि कोई नीचे कलर है, उस कलर से अगर इतना का वेवलेंथ आ रहा है 0.5 माइक्रोमीटर का, तो समझ जाएगा ये क्या है, ग्रीन कलर है। उसी तरह 1.6 माइक्रोमीटर ये किस कलर को शो करता है? रेड कलर को। और 10.8 माइक्रोमीटर जो है ये जो है ब्लू कलर को शो करता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहता दिस विद द इंसर्ट 3D कंप्यूटर डिटरमाइंस द कलर ऑन ईच पॉइंट ऑफ द इमेज। तो इस तरह जो इंसर्ट 3D कंप्यूटर है वो डिटरमाइन करता है हर कलर के पॉइंट को इमेज के साथ। कहता हाउ डज द सैटेलाइट ट्रैक स्नो। तो कहता है कि सैटेलाइट जो है स्नो को कैसे ट्रैक करता है, जैसे कहता है ना कि यहाँ पे बर्फ होने वाली है, आगे 24 घंटे में बर्फबारी होने वाली, कैसे पता करता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू द पेपर द मेजर एप्लीकेशन ऑफ दिस कलर स्कीम आर ऑन एनालिसिस ऑफ डिफरेंट क्लाउड टाइप्स, इनिशियल स्टेजेस ऑफ कन्वेक्शन, मैच्योरिंग स्टेजेस ऑफ थंडरस्टॉर्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्नो एरिया एंड द डिटेक्शन ऑफ फायर्स। तो कहता है क्या, ये जो कलर स्कीम है ना RGB, इसी के द्वारा जो है, कलर के द्वारा हम लोग क्या क्या पता लगाते हैं, क्लाउड का टाइप क्या है, कन्वेक्शन कैसा है, कैसे मतलब क्लाउड बनता है, फिर उसके बाद थंडरस्टॉर्म जो है मैच्योर कैसे होता है, मतलब थंडरस्टॉर्म कैसे गिरने वाला है वो चीजें, और उसके बाद स्नो एरिया कौन सा है और कहीं पे आग लगी है, तो ये क्या है, इसी कलर स्कीम के द्वारा इतने सारी चीजों को हम पता लगाते हैं। कहता है जब सोलर रिफ्लेक्टेंस होता है, तो सोलर रिफ्लेक्टेंस ऑफ स्नो क्या मतलब हुआ, कि जैसे सन है, सन से सनलाइट आया और किस पे पड़ा, बादल पे, ठीक ना। तो बादल पे पड़ा, बादल क्या किया, लाइट को रिफ्लेक्ट किया। तो कहता है दैट ऑफ क्लाउड इज सिमिलर इन द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। अच्छा एक चीज और कह रहे हैं कि जो बादल का रिफ्लेक्टेंस होगा, जो बादल से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और क्लाउड से जो रिफ्लेक्ट करेगा, दोनों का जो है विजिबल मतलब क्या कहते हैं, दोनों का स्पेक्ट्रम जो है समान ही होता है, मतलब दोनों का वेवलेंथ आसपास ही होता है। जो स्नो होता है, स्नो मतलब जो बर्फ, स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1.6 माइक्रोमीटर, दैट इज द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, एज ए रिजल्ट व्हेन द सैटेलाइट ट्रैक्स स्नो द रेड कंपोनेंट्स ऑफ द कलर स्कीम बिकम्स रेड। अब देखिए इतना बार इतना सारी बातें लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो स्नो होती है, बर्फ होती है, किस कलर को एब्जॉर्ब करती है, तो रेड कलर को एब्जॉर्ब करती है। तो रेड कलर को एब्जॉर्ब किया, अब वहां से इमेज लिया सैटेलाइट के द्वारा, तो दिखा अच्छा रेड कलर है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे बर्फ क्या है, स्नो होने वाली है, समझ गए। तो जितना इंटेंसिटी होगा कलर का, तो उसके अनुसार समझिए कि अच्छा इतना देर में बारिश हो गई, ठीक है ना, समझ में आई यहाँ तक? कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए। ठीक है, अब देखो हाउ द सैटेलाइट्स कलेक्ट वेदर डेटा। तो सैटेलाइट जो है वेदर डेटा को कैसे कलेक्ट करती है? तो जो इनसेट 3D है और इनसेट 3DR, ये दोनों इंडिया का सैटेलाइट्स है, तो क्या करता है, रेडियोमीटर्स और स्पेक्ट्रल मेजरमेंट्स। तो रेडियोमीटर एक डिवाइस है और स्पेक्ट्रल मेजरमेंट्स जो अभी ऊपर मैंने बताया कि कलर के वेवलेंथ को ट्रैक करता है, तो इन दोनों डिवाइस के द्वारा क्या होता है, वेदर डेटा कलेक्ट की जाती है इन दोनों सैटेलाइट के द्वारा। तो रेडियोमीटर क्या है, एक तरह का डिवाइस है जो मेजर वेरियस यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन। तो रेडियोमीटर क्या करता है,
जो बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं तो रेडिएशन को कवर करता है। और दोनों सैटेलाइट इनसेट 3D और इनसेट 3DR दोनों जो है एटमॉस्फेरिक साउंडर्स को भी यूज करता है। तो ये क्या है, ये एक तरह का डिवाइस है जो क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, उसके बाद वाटर वेपर का कैसा फंक्शन है इन्वायरमेंट में और ग्राउंड पे, तो इस सारे चीजों को एटमॉस्फेरिक साउंडर जो है ट्रैक करता है। फिर कहता है साइंटिस्ट कंबाइन द रेडियोमीटर एंड साउंडर्स मेजरमेंट टू अंडरस्टैंड वेरियस एटमॉस्फेरिक करेक्टर। तो इस दोनों को यूज करके क्या करता है साइंटिस्ट, बहुत सारे एटमॉस्फेरिक करेक्टर को पता करता है। अच्छा, ये दोनों सैटेलाइट है कहाँ पे, तो जो अर्थ है ना, अर्थ का जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, मतलब अर्थ है, अर्थ के चारों ओर ये सैटेलाइट लगा हुआ है, तो कहाँ पे है, तो 82 डिग्री, 82 डिग्री पे कौन सा है, इनसेट 3D, और 3D अर्थ सैटेलाइट जो है ये कितना है, 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये है 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे और ये है 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। तो लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो मैसेज कीजिएगा। जैसे ये क्या हो गया इक्वेटर, ये सब क्या हो गया लैटिट्यूड। अगर अर्थ को हम ऐसे ऐसे बांटे वर्टिकल तो ये क्या होता है जी, लॉन्गिट्यूड। तो 82 डिग्री होगा तो आई थिंक यहाँ पे होगा। तो 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कौन है, इनसेट 3D, और 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कौन सा है, इनसेट 3DR। ठीक है, चलो आगे देखिए, ये है जीएम क्रॉप्स के बारे में। तो जीएम क्रॉप्स क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। पहले किस चीज पे बात कर रही है, तो सरकार करेगा अगर हम जीएम क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो क्या होगा, किस चीज के लिए, एडिबल ऑयल, जो मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड से क्या होता है, सरसों का तेल हम एडिबल ऑयल यूज करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर जीएम क्रॉप्स यूज करेंगे तो क्या होगा, और भी सस्ता हो जाएंगे ऑयल, एडिबल ऑयल। तो अगर सस्ता हो जाएंगे तो फिर क्यों नहीं यूज हो रहा है, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सी है। कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे कहा जाता है कि जीएम क्रॉप्स को यूज करने से क्या होता है, बहुत सारे बॉडी में एलर्जी हो सकती है, बहुत सारे की तरह के कैंसर भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को फिर सोचना चाहिए कि अच्छा जीएम क्रॉप्स तो नहीं यूज करना चाहिए। तो इंडिया जो जीएम, इंडिया जो है ये एडिबल ऑयल जो यूज करती है, तो आप लोग को पता होना चाहिए ये क्या होता है, ज्यादातर इम्पोर्ट किया जाता है 50 से 60%। तो 50 से 60% जो इम्पोर्ट किया जाता है, और उसमें से ज्यादातर क्या है, जीएम क्रॉप्स के द्वारा उगाया गया क्रॉप्स ही है, उसी से एडिबल ऑयल बना है। तो ऑलरेडी हम लोग खा रहे हैं जीएम क्रॉप्स, बस इंडिया में कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है, देखिए इस पे क्या होता है। तो पहले समझते हैं कि जीएम क्रॉप्स होता क्या है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर प्लांट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर दैट हैव हैड देयर डीएनए मॉडिफाइड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्या किया जाता है कि जैसे कोई क्रॉप्स है, उस क्रॉप्स को डीएनए, उस क्रॉप्स का क्या है, डीएनए में हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड कर देंगे, किसके थ्रू, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ आप समझिएगा, जैसे ये क्या है, आम है, तो मैंगो जो है कहाँ पे होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन मोस्टली। जैसे मान लीजिए हम लोग की तरफ क्या है, जहाँ पे गर्मी पड़ती है ज्यादा, तो ड्राई सीजन, यहाँ पे आम होती है। क्या आम कश्मीर में होती है, नहीं होती। नहीं। या सबसे अच्छा एग्जांपल लीजिए आप, अगर तो इसका लीजिए एप्पल का, ठीक ना, एप्पल का सब, तो एप्पल कहाँ पे है, कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में, इधर है, हमारे तरफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, जहाँ टेम्परेचर कम रहेगा ना, लो टेम्परेचर रहेगा, वहां पे ये डेवलप करेगा। लेकिन तो ये क्या है, इसका जेनेटिक ऐसा है, जेनेटिक ऐसा है, मतलब जेनेटिकली ही वैसा है। अब इसमें हम क्या करें, इसके जेनेटिक में हम मॉडिफाई कर दें, क्या कर दें, इसके जेनेटिक को मॉडिफाई कर दें, ऐसा जीन डाल दें जो क्या करेगा, एप्पल जो है गर्मी के समय भी ये ग्रो करेगा, मतलब जहां गर्मी रहेगा वहां भी ग्रो करेगा। तो हमने क्या किया, ऐसा जीन डाल दिया एप्पल में, एप्पल के प्लांट में, एक कल्चर में तैयार कर लिए सीड्स, और तो
तो पहले कश्मीर वाला एप्पल का जो सीड्स है उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड करके किसका जीन डाल दिए, ऐसे प्लांट का जीन जो गर्मी में भी, गर्मी जगह में भी ग्रो करता है, अब उसमें डाल दो उसके सीड में, एप्पल के सीड में। अब वहां से क्या करो, प्लांट प्रोड्यूस करो, प्लांट प्रोड्यूस हो गया, अब उससे जो हम सीड प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, उससे जो प्लांट तैयार होगा वो सभी जगह ग्रो करेगा, ऐसा ही है जीएम क्रॉप्स। अब क्या है कि ये सुनने में तो आसान है, थोड़ा टफ भी है, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, अगर उसकी वजह से अगर उसके डीएनए में कहीं और चेंजिंग आ गई, दूसरे चीज में चेंजिंग आ गई, तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे कैंसर हो गया, एलर्जी हो गया, ये सब चीजें, इसलिए कंट्रोवर्सी चल रही है। ये कहानी समझ में आई जो मैं अभी बोला, जल्दी यस बोलो। सर, ठीक, तो अब देखते हैं क्या कहता है। टू प्रोड्यूस ए जीएम प्लांट, न्यू डीएनए इज इंसर्टेड इनटू प्लांट सेल्स, द सेल्स आर देन ग्रो इनटू टिश्यू कल्चर वेयर दे डेवलप इनटू प्लांट्स, दिस द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट्स विल इनहेरिट द न्यू डीएनए। तो वही चीजें हैं बोला गया, तो नया जो प्लांट बनेगा वो क्या होगा, उसमें नया डीएनए रहेगा। कुछ एग्जाम्पल है जीएम क्रॉप्स के, जैसे बीटी ब्रिंजल, जीएम मस्टर्ड, ठीक ना, पोटैटो, प्रोटीन रिच पोटैटो। तो ये जो है कुछ क्रॉप्स उगाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो बीटी ब्रिंजल क्या होता था, जैसे एक है बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन क्या था कि कॉटन जैसे फला, जो रुई जिसे हम लोग प्राप्त करते हैं, तो कॉटन जैसे बना, जैसे वो ग्रो होने वाला था ना, उसमें एक कीड़ा था, इंसेक्ट, वो क्या कर देता था, पकने से पहले उसको बर्बाद कर देता था। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके एक बीटी बेसिलस थिरोनजेसिस, ये क्या किया, बैक्टीरिया का जीन डाल दिया। या तो ये जो है बेसिलस थिरोनजेसिस बैक्टीरिया क्या करता है, क्राय प्रोटीन रिलीज करता है। तो जैसे वो बैक्टीरिया खाएगा, ये क्या करेगा, क्राय प्रोटीन रिलीज करेगा, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो बीटी कॉटन जो उगाते हैं हम लोग, अब क्या है कि वो फ्री फ्रॉम दिस इंसेक्ट्स। चलो, तो अब देखते हैं थोड़ा सा डेटा, देखते हैं जीएम क्रॉप्स के बारे में जो दिया हुआ था पेपर में भी। इंडिया इंपोर्ट्स एंड कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ एडिबल ऑयल फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल्स। तो इंडिया जो इम्पोर्ट करता है एडिबल ऑयल, कितना कर रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जीएम ऑयल सीड्स, अच्छे खासा अमाउंट में। अगर 2023 की बात करेंगे तो 50 से 60% जो है एडिबल ऑयल इंडिया में जो कंज्यूम किया जाता है वो क्या है, इम्पोर्टेड है, और जिसमें से ज्यादातर क्या है, जीएम ऑयल ही है। अकॉर्डिंग टू सॉलिसिटर जनरल, इंडिया इम्पोर्ट्स 55,000 मेट्रिक टन्स ऑफ कैनोला ऑयल एंड 2.8 लाख टन्स ऑफ सोयाबीन ऑयल एनुअल। तो हर साल इंडिया जो है कितना है, 55,000 मेट्रिक टन्स ऑयल को इम्पोर्ट करता है, और ज्यादातर क्या है, वही जीएम सीड्स ही है। कहता द मेन गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग जीएमओ इज इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड एंड प्रोड्यूस डिजीज रेसिस्टेंस क्रॉप। तो जो मेन गोल है हमारा जीएमओ का, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है, तो मेन हमारा एम क्या है, देखिए मेन एम हमारा है कि ज्यादा से ज्यादा यील्ड हो, मतलब क्रॉप्स ज्यादा यील्ड हो, ग्रो ज्यादा हो, और क्या हो, उस क्रॉप में डिजीज रेसिस्टेंस भी हो, मतलब कि वो फसल अगर हम खाएं तो हमें कोई डिजीज भी नहीं हो। जैसे मान लो कोई फसल है, उस खाने से अगर कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी नहीं हो। कुछ एडवांटेज है जीएमओ फूड से, जैसे अगर हम उसमें चाहें तो कुछ न्यूट्रिएंट जोड़ सकते हैं अलग से, विटामिन ए ज्यादा लेना है तो विटामिन ए जोड़ देंगे उसमें, ऐड कर देंगे। कुछ जो है पेस्टिसाइड भी जोड़ सकते हैं उसमें, पेस्टिसाइड मतलब कि जब वो फसल उगेगा तो उसके आसपास जो है क्या होगा, कोई अनवांटेड प्लांट्स ग्रो नहीं करें, ये चीजें। उसके बाद चीपर प्राइसेस के लिए ग्रो करते हैं। अब कुछ डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज क्या है मैंने बताया, एलर्जिक रिएक्शन, ठीक ना, तो एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। एक चीज और इम्पोर्टेंस होता है जो पॉलिनेशन है ना, पॉलिनेशन पे इफेक्ट डालता है ये, कौन सा, ये जीएम क्रॉप्स। तो मान लीजिए पेस्टिसाइड डाले हुए, अगर पॉलिनेशन करेगा या उसका उसके जो नेक्टर होते हैं फ्लावर में उसको अगर सक करेगी कीड़ा तो वो क्या होगा, मर जाएगा। अगर सारा इंसेक्ट मर गया तो फिर क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिर कहीं फल ही नहीं बनेंगे। तो दुनिया भर का प्रॉब्लम है इसमें, तो देखिए सरकार जो करेगी तो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट न्यूज देखिए, जीएस पेपर 3 साइंस का ही है।
ये चीजें अच्छी न्यूज है, कभी कभी आती हैं इसके बारे में। ये जो है सर्वाइकल कैंसर के बारे में दिया हुआ। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है? तो विच डेवलप्स इन ए वुमेन वुमेन्स सर्विक्स इन द एंट्रेंस ऑफ द यूट्रस फ्रॉम द वेजाना इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग वुमेन इन इंडिया। तो इंडिया की अगर बात करेंगे ना, तो जो महिलाओं में होने वाली कैंसर है, दूसरा सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है? तो यूट्रस, जो बच्चा जहाँ पलता है, तो यूट्रस जाने के लिए जो रास्ते हैं वेजाना के थ्रू जो जाते हैं, वेजाना से होते हुए यूट्रस जाते हैं, तो वेजाना के बाद क्या है? यस सर्वाइकल है, सर्विक्स होती है। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है? मोस्ट सेकेंड कॉमन कैंसर अमंग वुमेन इन इंडिया। तो इंडिया में सेकेंड सबसे ज्यादा कॉमन है। पहला क्या है? पहला है ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, ये किसके द्वारा होता है? कौन सा? ये सर्वाइकल कैंसर। तो ये जो जिस वायरस के द्वारा होता है, नाम याद रखिएगा, इसका नाम है HPV या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ये कहता है ऑलमोस्ट ऑल सेक्सुअली एक्टिव पीपल आर इन्फेक्टेड बाय HPV एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। तो दुनिया में जितने सारे लोग हैं लगभग जो सेक्सुअली एक्टिव है, मतलब मैरिड लाइफ या जिस तरह से भी हो सेक्सुअली एक्टिव, तो वो कभी ना कभी जो है HPV, ये जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इनसे इन्फेक्टेड होते ही है। तो फिर सब मर जाना चाहिए? सब नहीं मरते हैं, क्योंकि बहुत में क्या है, सिम्टम्स होते हैं, बहुत में सिम्टम्स नहीं पता चलता है। तो जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है, वो क्या करेगा? इस वायरस को क्लियर करके हटा देगा। ठीक है, तो जिनका वीक है उनको कैंसर ये हो जाता है, और जब कैंसर हो जाता है तो फिर बचते ही नहीं, आदमी मर जाते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली ए क्वार्टर ऑफ ऑल सर्वाइकल कैंसर डेथ्स इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जितना सर्वाइकल कैंसर है, उसका एक चौथाई आदमी दुनिया, मतलब दुनिया में एक जितना कैंसर हुआ उसमें से एक चौथाई, 1/4 इंडिया से मर जाता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट एवरी ईयर अराउंड, देखिए इतना लाख महिलाएं जो है डायग्नोस्ट की जाती है कैंसर के लिए, मतलब सर्वाइकल कैंसर के लिए अपना जांच करवाती है, इतना लाख, 1.25 लाख, जिसमें जो है 75,000, 75,000 महिलाएं हर साल मर जाती हैं। कटा व्हाट आर द गवर्नमेंट्स प्लान? अब देखिए ये क्या है, बीमारी बढ़ रहा है, तो जब बीमारी बढ़ जाता है तो इसको पब्लिक हेल्थ के अंदर लिया है, तो मतलब सरकार फिर इस पर निगरानी करने लगती है। तो अभी हमारे पास जो है दो वैक्सीन है इस बीमारी से बचने के लिए, हमारे पास सिर्फ दो वैक्सीन है, एक है गार्डासिल, दूसरा क्या है? सर्वावैक। तो याद रखिएगा ये दो वैक्सीन किस चीज के लिए है, तो सर्वाइकल कैंसर सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अच्छा डायग्नोसिस कैसे करते हैं सर्वाइकल कैंसर का? स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। किसका स्क्रीनिंग टेस्ट? तो HPV DNA, मतलब कि जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स में जो सेल है उस सेल का DNA टेस्ट करके, ठीक है, पता लगाया जाता है कि इससे इसमें HPV है या नहीं है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो WHO ने रेकमेंड क्या किया? HPV DNA बी द फर्स्ट चॉइस स्क्रीनिंग मेथड फॉर द सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन। तो सर्वाइकल कैंसर के जो डायग्नोसिस है क्या है? स्क्रीनिंग मेथड किसका? HPV DNA का, सॉरी HPV DNA, ये वही है। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? मोस्ट कॉमन है, एक नंबर पे ये है, और महिलाओं में जो है 27% जो कैंसर है सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होता है। और ब्रेस्ट कैंसर तो वायरस के द्वारा भी होते हैं, और भी एक रीजन है, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, स्तनपान कराती है अगर रेगुलर, तो उसमें ये कैंसर बहुत कम हो जाता है। फिर आगे देखिए एक न्यूज है, तो तमिलनाडु जो है ब्रेस्ट, सॉरी तमिलनाडु जो है टीबी कैंसर को, सॉरी सॉरी सॉरी, जो टीबी बैक्टीरिया है, मतलब टीबी का जो डिजीज है, इस चीज से क्या है निपटने के लिए जो मॉडल अपनाया है क्या है? वॉक इन मॉडल। तो तमिलनाडु में अपना है। ये तो आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा टीबी होता किससे है, तो टीबी बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं तो वायरस देगा तो वायरस नहीं, बैक्टीरिया के द्वारा, और इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस बीमारी के द्वारा किस ऑर्गेन पे अफेक्ट होता है? तो लंग्स पे, हमारा लंग्स पे, क्या और कोई बॉडी पार्ट्स पे? हाँ, तो किडनी, स्पाइन और ब्रेन पे भी इफेक्ट डालता है टीबी की बीमारी। टीबी की डायग्नोसिस कैसे करते हैं?
तो दो टेस्ट हैं, एक है टीवी स्किन टेस्ट और दूसरा है टीवी ब्लड टेस्ट। तो दो चीजें टेस्ट है। उसके बाद पॉजिटिव, अच्छा एक चीज देखिए इसमें समझना है कि पॉजिटिव टीवी स्किन टेस्ट और टीवी ब्लड टेस्ट, अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो क्या है, सिर्फ ये बताता है कि आप क्या है इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं, ग्रसित हैं, लेकिन ये नहीं बताता है कि आपके पास लेटेंट टीवी इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है, लेटेंट टीवी है या टीवी, हाँ सॉरी, लेटेंट टीवी इन्फेक्शन है या नहीं है। ये क्या होता है, बहुत सारे आदमियों में क्या है कि ये बैक्टीरिया होती है लंग से, समझे, लेटेंट टीवी जो बैक्टीरिया, ये मतलब टीवी जिससे होती है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में है, मतलब बहुत सारे के बॉडी में है, लेकिन ये क्या है अभी एक्टिव नहीं, मतलब अभी इससे टीवी नहीं हो रहा, लेकिन बैक्टीरिया वो है, मौजूद है। तो जिस दिन आपका इम्यूनिटी वीक होगा ये क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ये टेस्ट ये नहीं बता पाता, अगर इससे पता चल जाए तो इसका इलाज हो जाएगा, तब टीवी आदमी को होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मैसेज, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कल मिलिए।